दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं विशी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। यूट्यूब में जाके आज देखेंगे सीलिंग फैन और कूलर फैन का बाइंडिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरा जानकारी देखिए। 4 वायर और 3 वायर का सीलिंग फैन और कूलर फैन का हमने बाइंडिंग कनेक्शन देखेंगे कैसे होता है। सीलिंग फैन और कूलर फैन का बाइंडिंग कनेक्शन पहले 3 वायर और 4 वायर दोनों का देखेंगे। हमने देखते हैं 4 वायर का। इसमें जानती हूँ कि आप एक 2 बाइंडिंग रहता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये देख रहे हैं आपने 4 तार और 3 तार का ये वायर है आपका। ये जो मैं अभी एक सर्कल बनाता हूँ, ये आपका सीलिंग फैन मानिए, कूलर फैन मानिए या 1 फेस कैपेसिटर मानिए। और ये जो 3 वायर का है जो सर्कल मैं बनाया हूँ, उसमें भी आपने या एक मोटर मान लीजिए। ये मोटर है आपका जो मैं आपको ड्रा किया हूँ। और इसमें हमने 2 बाइंडिंग देंगे, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग देंगे। ये मोटर है आपका और इस मोटर में हमने अब क्या करेंगे, 2 बाइंडिंग ड्रा करेंगे। देखिए अभी मैं जो रेड कलर में ड्रा कर रहा हूँ ये आपका रनिंग बाइंडिंग है, और अभी मैं जो ब्लैक कलर में कर रहा हूँ, कॉइल जो बना रहा हूँ वो है आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये आपका रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग है। इस तरह से मैंने रेड कलर से इधर 3 वायर बारे में बनाए हैं, वो रनिंग बाइंडिंग है, और जो ब्लैक कलर में बनाया हूँ वो है आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग। देखिए हमने जो अभी दोनों कॉइल रनिंग और स्टार्टिंग जोड़ दिए हैं, अब हमने 4 वायर वाले में आते हैं। एक ब्लैक कलर का देखिए हमने एक लीड निकाल दिए हैं, और दूसरा हमने जो आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग है, दोनों लीड हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोनों लीड। और अब जो रेड कलर का बाइंडिंग है, हमने जो रनिंग बाइंडिंग का नाम दिए हैं, उसमें हमने एक लीड निकाल दिए हैं और इसका दूसरा छोर भी हमने निकाल देते हैं। इस तरह से निकल के आता है फैन से आपका 4 तार इस तरह से निकल के आता है पंखे से, इस तरह से पंखे से निकल के आता है, और आपको इसको बाहर कनेक्शन करना। अब देखिए 3 तार वाले में क्या होता है। 3 तार वाले में देखिए एक रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग अंदर ही शॉर्ट हो जाता है, जो बाइंडर मैन है वो अंदर शॉर्ट कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, यहाँ से एक कमन बना के, ये है आपका कमन, यहाँ से एक तार निकाल देते हैं। आपने देख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक तार वो लोग निकाल देते हैं। ये आपका एक तार निकल जाता है और बच जाता है हम लोग का 2 लीड। आपका सामने दिख रहा होगा, एक रनिंग का लीड बच जाता है, एक स्टार्टिंग का लीड बच जाता है। ये देखिए एक रनिंग का हो गया, एक स्टार्टिंग का हो गया, यहाँ पर लीड बच जाता है 1 2 3, और ये भी हो गया 1 2 3 4। देखिए कनेक्शन सब सेम है, लेकिन 3 तार और 4 तार वाले में आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कनेक्शन क्या है। ये अंदर से आपको कमन बना के निकला है, इसमें बाहर आपको कमन बनाना है। बाहर कमन बनाना है तो एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग का लीड को आपको सीधा सीधा जोड़ देना है। जैसे अभी देखिए इस तरह जोड़ना है, जैसे 3 तार वाले में जुड़ा है, इस तरह से हमने 3 और 4 को हमने जोड़ दिए हैं। 3 और 4 को जोड़ दिए तो ये बन गया कमन, जॉइंट कर दिए हैं तो ये आपका बन गया है कमन, जिसमें हमने न्यूट्रल चार्ज करेंगे। और बचा है 1 नंबर और 2 नंबर। देखिए अब 3 तार ये भी बन गया, जो 4 तार था वो भी 3 तार बन गया है, वो भी आपका 3 तार बन गया है। और अभी ब्लू कलर में हमने जो 2 दिए, एक कंडेंसर का सिंबल है, ये आपका 2.5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगता है। ये कैपेसिटर है, मैं लिख देता हूँ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ये कैपेसिटर है और ये 2.5 माइक्रोफराड का हमने सीलिंग फैन में लगाते हैं। कूलर फैन के लिए 4 से 6 लगाते हैं, और आपका 1 फेस मोटर के लिए 6 से 8 या 6 से 10 हमने लगाते हैं। अब देखिए इसका हमने कनेक्शन कर दिए हैं, सीधा सीधा हमने कैपेसिटर को कनेक्शन कर दिए हैं, और दूसरा वाला जो आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग वाला दूसरा लीड को भी सीधा कैपेसिटर में जोड़ दिए हैं। यहाँ से एक होता है रिवर्स कनेक्शन और एक होता है फॉरवर्स कनेक्शन। देखिए अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा न्यूट्रल चार्ज कर देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, न्यूट्रल चार्ज करती है, यहाँ पर माइनस है, और ये जो बच गया 1 नंबर और 2 नंबर कोर, हम किसी में भी हमने सोर्स कर सकते हैं। मान के चलिए हमने 2 नंबर से दिए हैं यहाँ पर फेस, तो आपका मोटर चल गया, आपका मोटर चल गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल गया है। और ये पॉइंट जो निकाल रहा हूँ ये आपका रिवर्स डायरेक्शन, ये वाला है आपका जो 1 नंबर है रिवर्स डायरेक्शन, 2 नंबर है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये आपका रिवर्स डायरेक्शन है, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों हो गया है आपका। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, और देख लीजिए कितना ईजी है इस तरह से कनेक्शन करना। अगर आपकी मोटर अगर उल्टा घूम रहा है, आपको अगर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड में नहीं चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है, तो आप सीधा सीधा ये जो सप्लाई चार्ज किए हैं आपने 2 नंबर से,
उस सप्लाई को आपने क्या करेंगे, एक नंबर से चार्ज कर देना है, एक नंबर से आपने चार्ज कर देना है। सीधा सीधा एक नंबर से चार्ज कर देंगे तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका जो रिवर्स था वो आ जाएगा फॉरवर्ड्स, और ये आ जाएगा आपका दो नंबर आ जाएगा आपका रिवर्स। इस तरह से कनेक्शन होता है और इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। ये फोर वायर का कनेक्शन, फोर वायर को पहले तीन वायर बनाना है, कंडेंसर जोड़ने के बाद आपको दो वायर बना के सोर्स दे देना है। इसी तरह इसका क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम चार कोर वाले वायर में बनाए थे, ये आपका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में हमने जोड़ दिए हैं। कैपेसिटर में क्या क्या जोड़ेंगे, एक रनिंग वाइंडिंग का जोड़ देंगे और एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का, एक नंबर दो नंबर जो आपका लीड निकला हुआ है बाहर उसको जोड़ देंगे, और जो कॉमन है तीन नंबर का जो कॉमन है उसको हमने नहीं जोड़ेंगे। अगर आपको टेक्निकली चेक करना है तो कॉमन का साथ एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा और एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपको कम बताएगा, और जो वाइंडिंग ज़्यादा बताएगा आपका रनिंग है और जो कम बताएगा वो है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इस तरह से आपको पता कर सकते हैं, या तो टेस्ट लैम में दे सकते हैं, जो टेस्ट लैम थोड़ा ज़्यादा जलेगा वो स्टार्टिंग है और रनिंग है, और जो टेस्ट लैम थोड़ा कम जलेगा वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है। देखिए इसमें हमने सोर्स वोल्टेज दे दिए हैं, नेगेटिव चार्ज कर दिए कॉमन वाले में, और इस दोनों में एक नंबर या दो नंबर में किसी में भी हमने चार्ज करेंगे और डायरेक्शन अगर हमको उल्टा रह जाए तो हम देखिए ये जो मोटर का डायरेक्शन हम लोग सिंगल फेस में यहीं से ही चेंज करते हैं। जो कैपेसिटर मोटर होता है मेन करके, कैपेसिटर जो मोटर होता है उसका डायरेक्शन जो रिवर्स फॉरवर्ड से हमने इसका यहाँ से देख लीजिए, अपने दिया हूँ तीन तार वाले में, यहाँ ने मैं पॉजिटिव चार्ज कर दिया हूँ। अगर मान के चलिए यहाँ अगर हमको डायरेक्शन सही नहीं मिला तो जो एक नंबर है जो रिवर्स लिखा हूँ वहाँ से हमने कनेक्शन करके इसको हमने जेंड करके टैपिंग कर देंगे ये तीन तार वाले में, और इस तरह से ही आपको कनेक्शन करना है। डायरेक्शन के लिए आपने मैं बता दिया हूँ कि एक रिवर्स होता है फॉरवर्ड्स होता है, लिख दिया हूँ आप सस्पेंस नहीं होने के लिए मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पर, और इसी की तरह से आपको कनेक्शन करना है। ये होता है सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर का कनेक्शन, चाहे पंखा हो जाए, कूलर हो जाए, सिंगल फेस मोटर हो जाए, जिसमें कैपेसिटर आपने लगाते हैं इस तरह का कनेक्शन करना है। और आप मेरे इस चैनल को ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यह था सीलिंग फैन, कूलर फैन और वन फेस कैपेसिटर मोटर का बाइंडिंग कनेक्शन, बाहर आपको कैसे कनेक्शन करके सोर्स देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर बनता ही है, और आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।